देखो क्वेश्चन है, क्लोजली वाउंड रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑफ 200 टर्न्स एंड साइज गिवन इज रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन गिवन. 200 टर्न्स गिवन है आपको, साइज का एरिया गिवन है और बी गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन है. फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 1800 RPM. तो ये क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी. इसको 60 से डिवाइड करके क्या बनेगा? RPS. फिर यहाँ से क्या आएगा? ओमेगा. 2.2 फ्रीक्वेंसी से ओमेगा. कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF. अभी हमने किया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF क्या होता है? NBA ओमेगा. N पता है, B पता है, A पता है और ओमेगा पता है. मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा. क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर टू. एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है जिसका डायमेंशन 0.1 × 0.5 है. तो एरिया में दे दिया. कंसिस्टेंट 2000 टर्न्स हमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दिए. एक्सिस पैरेलल टू लॉन्गर साइड मेकिंग 2100 रेवोल्यूशंस पर मिनट. 60 से डिवाइड करके आ जाएगी फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा इज 2.2 फ्रीक्वेंसी से ओमेगा. इन अ फील्ड ऑफ बी, बी की वैल्यू गिवन है 0.1 टेस्ला. व्हाट इज द मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड? तो एक तो आंसर बिल्कुल क्लियर है. जो मैक्सिमम EMF की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला NBA ओमेगा. सेम पहला आंसर तो क्लियर है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस EMF व्हेन कॉइल इज 60 डिग्री टू द फील्ड? अब ये इंपॉर्टेंट है. इंस्टेंटेनियस EMF का फॉर्मूला होता है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. ये इंस्टेंटेनियस EMF का फॉर्मूला है. आपको ये ई नॉट तो आपने फर्स्ट पार्ट से निकाल ही लिया. अब ओमेगा टी में ज्यादातर लोग यहां पर पता है क्या पुट करेंगे? 60 डिग्री. गलत, क्योंकि इसकी जो डेरिवेशन है ना साइन ओमेगा टी की, ये बनी हुई है फ्लक्स से. कॉस ओमेगा टी के डिफ्रेंसिएशन से साइन बना था, लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ई इज माइनस डी फाई बाई डी टी में फाई को बी ए कॉस ओमेगा टी पुट किया था. तो ओमेगा टी एंगल पता है किसके बीच में है? बी और एरिया वेक्टर के बीच में. जो एंगल्स होते हैं इस EMI के अंदर बी और एरिया के बीच में होते हैं. अब वो क्या कह रहा है? जो कॉयल है वो एंगल बना रहा है बी के साथ 60. तो उसका परपेंडिकुलर एरिया एंगल क्या बना रहा होगा? 90 में 60 क्या कितना? 30. तो अगर कॉयल ने बनाया 60 तो एरिया वेक्टर ने क्या बनाया? नॉर्मल ने क्या बनाया? 90 - 60 यानी कि 30. तो यहाँ पर ओमेगा टी यहाँ पर क्या बनेगा? 30. तो आप यहाँ पर ओमेगा टी को 60 नहीं पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है यहाँ तक? ये कॉमन मिस्टेक है. लोग 60 पुट करके आएंगे. 60 नहीं पुट करना. कॉयल का एंगल बना हुआ है बी के साथ, तो आपने नॉर्मल का एंगल लेना जो कि 90 - 60 30 होगा. ठीक है यहाँ तक? लिख सकते हो फॉर्मूला बुकलेट में कि इस फॉर्मूले में इज ई नॉट साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. इसमें याद रखा जाएगा कि जो एंगल है वो बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है. ठीक. नेक्स्ट है, आर्मेचर कॉइल ऑफ जनरेटर हैज 20 टर्न्स. आर्मेचर का मतलब है जो कॉइल है उसमें 20 टर्न्स है. एंड एरिया आपको गिवन है. हाउ फास्ट शुड इट बी रोटेटेड? फास्ट का मतलब या तो ओमेगा निकालना है या फ्रीक्वेंसी निकालना. फ्रीक्वेंसी निकालना है. वैसे बी गिवन है जो पीक वैल्यू ऑफ EMF 160 है. पीक वैल्यू का मतलब ई नॉट. तो ई नॉट क्या होता है? NBA ओमेगा की जगह 2π × फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है. ई नॉट पता है, एन पता है, बी पता है, ए पता है. सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. सर्कुलर कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 200 cm² एंड 20 टर्न्स इज रोटेटेड अबाउट वर्टिकल डायमीटर विद एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियंस पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ गिवन. कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट. देखो आप क्या करेंगे, पहले मैक्सिमम EMF निकाल लेंगे NBA ओमेगा से, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा. तो मैक्सिमम करंट क्या होता है? मैक्सिमम EMF बाय रेजिस्टेंस. क्लियर है यहाँ तक? एक स्टेप और एक्स्ट्रा. फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड एरिया गिवन रोटेटिंग एट 50 RPS. 50 RPS क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. यहाँ से क्या आएगा? ओमेगा. About an axis perpendicular to uniform magnetic field be given, resistance given, what is the maximum power generated? पहले तो आएगा E naught, NBA omega से. फिर आएगा current, E naught by R से. फिर आएगी power. Power क्या होता है? Voltage into current. E naught into I naught. Answer. ठीक है यहाँ तक? तो ये इसका answer है.